पहले लोग इतना ज्यादा गेम नहीं खेला करते थे जितना लोग आज खेलते हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में बहुत सारे लाइव एक्शन गेम्स आए हैं जो लोग बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, जैसे कि पबजी, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी एक्सेट्रा। आजकल सभी लोग अपने फ़ोन में घुसे रहते हैं और दिन भर इन गेमों को खेलते रहते हैं। और अगर गलती से अगर आप एक गेमर हैं और अपने घरों में बैठ के गेम खेलते हैं तो पीछे से एक ही आवाज़ आती होगी, कभी कंप्यूटर तो कभी मोबाइल, इतना गेम खेलेगा ना आंखें फूट जाएंगे तेरी, चल उठ यहाँ से। फ्री टाइम है तो कुछ अच्छा काम कर ले, कहाँ काम आने वाला है तेरा गेम तेरे भविष्य में। और उसी के साथ साथ ज्यादातर लोग सोचते हैं कि गेम खेलने से कोई फायदे नहीं होते, ये सिर्फ एक समय की बर्बादी है। तो क्या सच में गेम खेलना समय की बर्बादी होती है और उससे हमें कोई फायदा नहीं होता? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को स्किप कर देंगे या फिर आधा छोड़ के चले जाएंगे और उसके बाद अपने पेरेंट्स को या अपने दोस्तों को बताएंगे कि गेम खेलने से हमें बहुत फायदा होता है, और अगर उन्होंने आपसे पूछ लिया कि क्या फायदा होता है और कैसे होता है, तो वहाँ पे आपकी भारी बेइज्जती हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। सो लेट्स बिगिन। तो हमें जो लोग बोलते हैं और घरों में जो बताया जाता है कि गेम खेलने से कोई फायदा नहीं होता, वो बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि गेम खेलने से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। अब हो सकता है कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि किन गेम्स को खेलने से हमें फायदे होते हैं। तो हमें सिर्फ लाइव एक्शन गेम्स खेलने से ही फायदा होता है, जैसे कि पबजी, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी, मॉडर्न कॉम्बैट, क्योंकि इन गेम्स में आपको, जब तक आप इन गेम्स को खेलते हैं, आपको अलर्ट रहना पड़ता है और आपको बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ जनीवा की न्यूरोसाइंटिस्ट की एक टीम ने कुछ लोगों पे एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिनमें से आधे लोग गेमर्स थे और आधे लोग नॉन गेमर्स थे। उस एक्सपेरिमेंट के बाद उनको पता चला कि जो लोग हफ्ते में 10 से 15 घंटे गेम खेलते हैं, उन लोगों की आई साइट 2 से 3 गुना ज्यादा अच्छी है उन लोगों से जो लोग गेम नहीं खेलते हैं। उसी के साथ साथ गेमर्स ग्रे कलर के शेड्स ज्यादा अच्छे से देख सकते हैं और उनको ज्यादा अच्छे से पहचान सकते हैं। उससे फायदा ये होता है कि जो गेमर्स होते हैं वो कोहरे में भी ज्यादा अच्छे से गाड़ी चला लेते हैं और उनके एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं उनके कंपेयर में जो लोग गेम नहीं खेलते। नंबर 2, अटेंशन। उसी एक्सपेरिमेंट में और भी कुछ टेस्ट किए गए। अभी आपकी स्क्रीन में कुछ वर्ड्स आएंगे जिनका कलर आपको बताना है, तो सबसे पहले मेरे साथ करते हैं। ब्लैक, ब्लू, रेड, ये वाला आपको बहुत ही आसान लगा होगा। अब इस बार आप मेरे बिना जो वर्ड आएगा स्क्रीन पे उसका कलर बताइए। तो अब हो सकता है ये आपके लिए थोड़ा सा हार्ड रहा हो पिछले वाले के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे कलर कुछ और था और जो वर्ड लिखे थे उसका मतलब कुछ और था, जिसके कारण आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और वो उतना जल्दी डिसीजन नहीं ले पाता। पर जो लोग हफ्ते में 10 से 15 घंटे लाइव एक्शन गेम्स खेलते थे वो इस टेस्ट में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं उन लोगों से जो गेम नहीं खेलते हैं। नंबर 3, इंटेलिजेंस। उसी रिसर्च में लोगों को एक टास्क दिया गया जिनमें उनको 3D ऑब्जेक्ट का घुमा हुआ वर्जन बताना था। ऐसा बहुत सारे इंटरेस्ट एग्जाम भी हुआ करता है, मुझे याद था मैंने भी ऐसा एक इंट्रेंस एग्जाम दिया था 5th क्लास में, पर मैं उसमें पास नहीं हुआ था ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं उस टाइम गेम नहीं खेलता था। फिर उसके बाद उनमें से एक ग्रुप को 40 मिनट तक डेली 2 हफ्ते तक गेम खेलने को दिया गया और एक ग्रुप को कुछ भी नहीं बोला गया और उनको गेम खेलने को नहीं दिया गया। उसके बाद जब उन लोगों ने टेस्ट किया तो टेस्ट के रिजल्ट में पता चला कि जो लोग 2 हफ्ते तक गेम खेले थे वो लोग उन लोगों से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाए थे जो लोग 2 हफ्ते से गेम नहीं खेले थे। तो जिन लोगों को 2 हफ्ते तक गेम खिलाए गए थे और जिन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया था उन लोगों के दिमाग पे क्या असर पड़ा था, इसी बात को समझने के लिए मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट में एक टेस्ट हुआ जिनमें लोगों को 2 ग्रुप में बांटा गया और आधे लोगों को लाइव एक्शन गेम्स खिलाए गए और आधे लोगों को कुछ भी नहीं खिलाया गया 2 महीने तक। फिर 2 महीने बाद उनके ब्रेन का MRI टेस्ट किया गया तो जिन लोगों ने 2 महीने तक गेम खेले थे उनके दिमाग के कुछ पार्ट्स में चेंज आए थे और जिन लोगों ने गेम नहीं खेले थे उनके दिमाग में कोई भी चेंज नहीं आए थे। तो जिन लोगों ने गेम खेले थे उनके दिमाग के चेंज हैं राइट हिप्पोकैम्पस, जो आपको आपकी नई और पुरानी यादें बनाने में मदद करता है। फ्रंटल लोब, जिससे आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और कोई भी नया डिसीजन लेते हैं। और सेरेबलम, जिससे आप बोलते हैं और कोई भी मूवमेंट करते हैं। जिन लोगों ने गेम खेले थे उन लोगों के दिमाग में इन पार्ट में ग्रे मैटर ज्यादा हो गया था और ग्रे मैटर ज्यादा बढ़ने से वो लोग ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए थे, क्योंकि इन पार्ट्स को आप डे टू डे अपनी लाइफ में भी यूज करते हैं। नंबर 4, लाइफ लर्निंग।
अगर मैं आपसे पूछूं ऑनलाइन सैंडबॉक्स एक्शन गेम जैसे कि पबजी, फ्री फायर कैसे खेला जाता है, तो आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि ये गेम कैसे खेले जाता है। और जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि आपको एक वीरान से आइलैंड पे छोड़ दिया जाता है, जहां पे आपको सर्वाइव करना पड़ता है, आपको हर टाइम अलर्ट रहना पड़ता है। उसी के साथ साथ अगर आप टीम में हैं तो आपको अपने दोस्त की बात सुनकर समझकर बहुत ही जल्दी डिसीजन लेना पड़ता है। और ऐसा बहुत बार होता है कि आप उनका डिसीजन मान लेते हैं अगर आप उनको नहीं भी मानना चाहते हैं, और बहुत बार आप हार भी जाते हैं, और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद, बहुत ट्राई करने के बाद आप उस गेम को जीतते हैं। और ऐसा ही कुछ हमारी लाइफ के साथ भी होता है, कई बार आप बहुत सारे गलत डिसीजंस ले लेते हैं जिनके कारण आप फेल हो जाते हैं, पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद और हार्ड वर्क करने के बाद आप लाइफ में सक्सेस होते हैं। तो ऐसा ही कुछ इन गेम्स में होता है। तो जो लोग गेम खेलते हैं उनकी ये प्रैक्टिस होती है, और जब वो अपनी लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं या फेल होते हैं तो वो लोग उन लोगों से अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं जो लोग गेम नहीं खेलते हैं। नंबर 5, हेल्प इन मेडिकल। आजकल की जो सर्जरी होती है वो इंसर्जन के साथ होती है, मतलब कि बॉडी के अंदर किसी मशीन को डाल के इलाज करना, जिसमें डॉक्टर्स को एक कंट्रोलर दिया जाता है और एक स्क्रीन होती है जिसमें डॉक्टर उस मशीन को देख के मरीज का इलाज करते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग बचपन से गेम खेल के कंट्रोलर यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, या वो लोग जिन्होंने सिर्फ थ्योरी पढ़ ली है और वहाँ पे जाके कंट्रोलर चला रहे हैं, आप मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो लोग बहुत ही ज्यादा पबजी और शूटिंग गेम्स खेलते हैं। और अगर आपको ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर लें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए आप इस चैनल की दूसरी वीडियोस को देख के कुछ नया जान और सीख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।